नामगंज पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के डुमरिया बाजार के मंझौली में देवी स्थान के निकट सोमवार को दो लोगों की छोटी लड़ाई ने तूल पकड़ लिया। जानकारी हो कि शनिवार को मोहर्रम त्योहार में ताजिया जुलूस ले जाने के दौरान भंगिया पंचायत के बलिया गांव में दो समुदाय के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। साथ ही साथ एक डुमरिया थाना से SAE के सिर में चोट आई थी। वहीं सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह क्षेत्रीय विधायक जीतन राम मांझी ने विवादित स्थल पर पहुंचकर लोगों से मिलकर घटना घटने की जानकारी ली। इसके बाद पत्रकारों से प्रेसवार्ता कर जानकारी दी कि मोहर्रम त्योहार के दिन बलिया गांव में जो दो समुदाय के बीच झड़प हुई है वो पुलिस की लापरवाही के कारण घटी है। इसके साथ ही बताया कि जो इलाज कराने लोग अस्पताल गए सभी को जेल भेज दिया गया। उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए घायल लोगों को जेल भेज रही है। जो घटना को जान दिया और दिलाया है वो पुलिस के पास व्हाइट कॉलर होकर घूम रहे हैं। पुलिस उन पर कार्रवाई के बजाय संरक्षण दे रही है। देखिए, दो तीन दिन से डुमरिया में आपसी झगड़ा के चलते तनाव बने हुए हैं और इसी में कुछ लोग जेल भी गए हैं, कुछ लोगों को मार भी पड़ी है। तो बलिया, भंगिया और डुमरिया बाजार तीनों का हमने भ्रमण किया है और हमने देखा है कि आपस में आपसी सौहार्द में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सब लोग, जो केस मुकदमा हुआ है पुलिस के द्वारा हुआ है, ये लोग कोई केस मुकदमा नहीं करना चाहते हैं, आपस में मेल मिलाप करना चाहते हैं और इसके लिए कल संयुक्त बैठक होगी, जिसमें फिर हम आवेंगे, लोगों से बात करेंगे। ये बात स्पष्ट होकर के आ रही है कि यहाँ पर प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं कमी है। जब जाना जाता है कि 10 वर्ष पहले या कुछ दिन पहले भी यहाँ घटनाएं इस प्रकार की होती रही है, तो इन लोगों को चौकसी बरतनी चाहिए थी। जो भंगिया से ताजिया चला वो कहीं कोई उसको देखने वाला नहीं था, अपने आप वो लोग आ रहा था, इसी में सारी बातें हुई। अगर वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग या शांति समिति के लोग रहते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। और शांति समिति का गठन यहाँ भी जो हुआ है उसमें कुछ वैसे ही लोग हैं जो थाना से बड़ी नज़दीकी हैं और जो वाकई रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम नहीं दिया गया, और यही कारण है कि शांति समिति यहाँ तक कमज़ोर है। अगर शांति समिति ठीक रहती तो निश्चित है कि इस प्रकार की घटना नहीं घटती। और जहाँ तक डुमरिया का मामला है, डुमरिया में मामूली साइकिल से किसी को चोट लगने के कारण ही इस प्रकार की बात हुई है, जिसमें किसी गाँव के आदमी आ करके मजमा लगा करके लोगों को मारे पीटे, ये उचित नहीं मैंने समझा। मैं यहाँ पर उनका दोष मानता हूँ और ये दोष में हमारे मुस्लिम परिवार के भी जो साथी हैं, नेता हमारे साथ हैं, उन लोगों का भी कहना है कि उन लोगों का दोष है। झगड़ा एक से हुई, गांव के 50 आदमी को आने का क्या उचित था और आकर के इस प्रकार की बातें उन्होंने किया। एक रजक समाज के आदमी हैं, उस घर में एक आदमी को अगर नहीं बचाया जाता तो शायद उसकी हत्या हो जाती। तो इस प्रकार से यहाँ टेंशनाइज किया कोई गाँव वाले आ करके, तो उसको तो समझना होगा, प्रशासन को भी समझना होगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जितने प्रशासन के लोग जो केस मुकदमा किया है वो केस चोट लगने के कारण ही लोग बतलाते हैं कि केस हुआ है। और जहाँ लड़ाई होती है या कोई प्रकार की अप्रिय घटना घटती है वहाँ ढेलाबाजी या पत्थरबाजी होती है, तो बहुत लोग बचाने के लिए भी जाते हैं जिनको भी चोट लगती है, तो उनको भी पकड़ के जेल भेज दिया गया। ये तो गलत है। उसमें एक प्रदीप नाम करके सब इंस्पेक्टर की बात आ रही है, उनका कहना है जो गलत तरीका से सब लोगों को टेरोराइज करते हैं और इस तरह की बात करते हैं। तो हम इस चीज़ को सीनियर लोगों से बात करेंगे और फिर यहाँ अंचल अधिकारी के बारे में मालूम हो रहा है कि वो भी यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और जमीन बंदोबस्ती में परमाना में भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गरीबों के साथ होना चाहिए उसको न हो करके अपने चहेते लोगों के साथ उन्हें परमाना देने का काम कर रहे हैं। उसका साक्ष हमारे पास आ रहा है, दो तीन साक्ष आ जाएगा तो उनके अगेंस्ट में भी हम रेवन्यू विभाग में लिखेंगे कि ताकि इस तरह की घटना न घटे। वो जमीन परमाना के चलते भी आगे आने के मामले तीनों में अगर ऐसा करते रहेंगे CO तो हो सकता है उसके चलते भी यहाँ पर अशांति फैल सकती है। तो यही हम महसूस किया है और इसको पूरा करने के लिए, ठीक करने के लिए कल पुनः हम आएंगे और दोनों पक्षीय लोगों से बात करेंगे।
क्या कुछ आपके जत्था को रोकने की भी बात सामने आ रही थी, क्या कुछ ऐसा मामला? नहीं कोई बात नहीं, ऐसा है, हम लोग चले वहाँ से आ रहे थे तो प्रशासन के लोगों ने कहा कि यहाँ पर अभी लोग जाम किए हुए हैं, हम समझा रहे हैं, समझ जाएंगे लोग, थोड़ा देर के यहाँ बात आइएगा। तो हम मैगरा आई टी आई में थोड़ा देर बैठ गए, चाय पिए और उसके बाद हम आए। इसे हमारे जत्था को इसको रोका नहीं है, हम खुद ये समझ के कि हम जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कोई अपना समझ के ज़्यादा आह्लादित हो सकता है, उत्साहित हो सकता था, कोई हतोत्साह भी हो सकता था, तो ऐसा करना हमारा जनप्रतिनिधि का काम नहीं था, हम लोगों को मिला के काम करना चाहता था। तो ऐसे में प्रशासन को हमने भेजा, एस डी ओ को कहा, पी एस पी ओ का, वो लोग आए और मामला को ठीक किए, तो फिर हम आकर के अपना घूमते हैं।